योग टेक्निकल चैनल में एक बार पुनः हृदय से सभी का स्वागत है। कक्षा 11th वृत्ति क्रम 6 पर आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो चलें कुछ सीखते हैं। वृत्ति क्रम 6, तो पहले हम कुछ वस्तुओं लेकर के रेखीय क्रम 6 बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ कार्य कर लिया है कॉपी पर। तो पहले ए बी सी डी चार वस्तुएं हैं, यहाँ पर हम चार वस्तुएं लेकर के रेखीय क्रम 6 का हम निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 चार वृत्ति रेखीय क्रम 6 प्राप्त होते हैं। चार वस्तुएं लेकर के चार रेखीय क्रम 6 प्राप्त होते हैं। फिर दूसरे स्थिति में हमने ए बी सी डी ई ये पांच वस्तुएं ली हैं और पांच वस्तुएं लेकर के हमने रेखीय क्रम 6 बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पांच रेखीय क्रम 6 हमको प्राप्त हुए हैं। जब 6 वस्तुएं लेकर के हम रेखीय क्रम 6 बनाते हैं तो 6 हमको रेखीय क्रम 6 प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इन पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति में हम वृत्ति क्रम 6 का निर्माण करते हैं, तो किस तरह से स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनती है। इस तरह प्रथम स्थिति में जो चार रेखीय क्रम 6 प्राप्त हुए थे, हमने उसको एक वृत्त पर रखा, ए बी सी डी हमने क्लॉक वाइज रखा है, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिण भारत। तो 1 2 3 4 रेखीय क्रम 6 बराबर एक वृत्ति क्रम 6 प्राप्त हुआ। यही सममय स्थिति है। दूसरी स्थिति में भी 1 2 3 4 5 जो पांच रेखीय क्रम 6 थे उनके सापेक्ष है जो एक वृत्ति क्रम 6 प्राप्त हुआ। अच्छा जी, कैसे प्राप्त हुआ इसको भी आप समझ सकते हैं। इसके समझने के लिए आपको क्या करेंगे, जैसे ए बी सी डी पहला हुआ वाला हुआ जी रेखीय क्रम 6 ए बी सी डी है, ए बी सी डी ए बी सी डी ई सॉरी जी ई है ए बी सी डी ई ये पहला रेखीय क्रम 6 के तुल वृत्ति क्रम 6 है। लेकिन हम दूसरे के देखें बी सी डी ए बी सी डी ई ए, तो बी से शुरू करना पड़ेगा, है वही। तीसरे के देखें तो सी से शुरू कर देंगे तो वही आएगा, ठीक है। और अगला देखें तो डी से शुरू कर देंगे, डी ई ए बी सी, तो वही आएगा। मतलब इन पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सभी रेखीय क्रम 6 के सापेक्ष एक ही हमें वृत्ति क्रम 6 प्राप्त होता है जो आपका इस चित्र में बना हुआ है। यही स्थिति आपकी तीसरे जो है एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में 6 1 2 3 4 5 6 रेखीय क्रम 6 है। इन 6 रेखीय क्रम 6 के तुल एक वृत्ति क्रम 6 प्राप्त होता है। तो हमने ये देखा कि रेखीय क्रम 6 के तुल एक ही वृत्ति क्रम 6 प्राप्त होता है ये अभी की स्थिति के अनुसार। और अगर हम इसका उल्टा देखें कि इसका पहले तीसरे का रेखीय क्रम 6 इसके प्राप्त करें हम रेखीय क्रम 6, ठीक है, तो जो वृत्ति क्रम 6 है उसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा उसके अवयवों का, 1 2 3 4 5 6 मतलब एक वृत्ति क्रम 6 के तुल्य 6 रेखीय क्रम 6 इसके होंगे, 5 इसके होंगे, 4 इसके होंगे। मतलब उसके अवयवों का जो अवयवों की संख्या है उसका हम गुणा किस में कर देते हैं, उसका गुणा हम वृत्ति क्रम 6 में कर देते हैं तो रेखीय क्रम 6 प्राप्त हो जाते हैं। इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इस तरह से ये अभी हमने दक्षिणावर्त लिए थे, दक्षिणावर्त
स्थिति में सभी रेखीय क्रमचय बराबर एक वृत्तीय क्रमचय ठीक। और वामावर्त में भी यही स्थिति है, वामावर्त सभी रेखीय क्रमचय बराबर एक वृत्तीय क्रमचय क्रमचय ठीक है। ये दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद होने की स्थिति है, भेद। अब भेद नहीं है तब उस पर भी विचार करें, भेद नहीं है भेद नहीं है, भेद कब नहीं होगा, जैसे ये अल्फाबेटिकली जो हमने उदाहरण लिया था तो ए बी सी डी ई एफ ये लिखा है, ए बी सी डी ई एफ, अगर हम इसका क्रम बदल दें जी, एफ से हम शुरू कर दें, एफ ई डी सी बी ए, तो ये दूसरा आपका रेखीय क्रमचय हो जाएगा। अब अभी ए है जो बी के दाहिनी ओर है, फिर ए है जो बी की बाएं ओर हो जाएगा, तो इस तरह से ये भेद की स्थिति है। और भेद की स्थिति नहीं है जैसे हम माला का प्रयोग करें कि माला है मनगे है, अब उसमें कोई दक्षिणावर्त वामावर्त का भेद नहीं है, ऐसी स्थिति में जो दक्षिणावर्त मान लीजिए कि स्थिति में ना वामावर्त की स्थिति में, दोनों स्थिति में रेखीय क्रमचय समान होंगे, भेद की भेद ना होने पर दक्षिणावर्त एवं वामावर्त के रेखीय क्रमचय समान होंगी, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति मतलब प्रत्येक स्थिति का क्या मतलब, दक्षिणावर्त तो वामावर्त का है, प्रत्येक स्थिति का रेखीय क्रमचय, प्रत्येक स्थिति का सॉरी रेखीय नहीं वृत्तीय क्रमचय समान होगा, ठीक है। कुल मिला के ये है कि दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद होने पर, जैसे इस उदाहरण से देखें कि छह रेखीय क्रमचय का एक वृत्तीय क्रमचय दक्षिणावर्त का, और छह रेखीय क्रमचय का एक वृत्तीय क्रमचय वामावर्त का होगा, लेकिन भेद ना होने पर दक्षिणावर्त का छह रेखीय क्रमचय का एक वृत्तीय क्रमचय दक्षिणावर्त का भी वही होगा और वामावर्त का भी वृत्तीय क्रमचय वही होगा, तो अब यहाँ हो जाएगा 12। इस उदाहरण से हम दे सकते हैं कि 12 रेखीय क्रमचय बराबर एक वृत्तीय क्रमचय आएगा, वृत्तीय क्रमचय आएगा क्रमचय, ये स्थिति है। हमें अभी तक जो थ्योरी का सिद्धांत जी प्रस्तुत किया है उदाहरण के द्वारा, उसका कुल सिद्धांत यही है, उसका मूल उद्देश्य वही है कि अगर दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद है ठीक है, तो अगर हमने पांच एलिमेंट लिए हैं, एन का मान पाँच लिया है, तो पाँच रेखीय क्रमचय बराबर एक वृत्तीय क्रमचय दक्षिणावर्त का, और वामावर्त में भी पाँच रेखीय क्रमचय बराबर एक वृत्तीय क्रमचय, और भेद ना होने की स्थिति में डबल हो जाएगा, मतलब 10
रेखीय क्रमशः बराबर एक वृत्तीय क्रमशः होगा। पिछले उदाहरणों से जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये है कि दी गई असमान वस्तुओं में से कुछ को या सभी को एक साथ लेकर के क्रम से रखने पर जो हमको रेखीय क्रम से प्राप्त होते हैं वे सभी रेखीय क्रम से वे सभी एक वृत्तीय क्रम से के बराबर होते हैं। वृत्तीय क्रम से वे सभी एक वृत्तीय क्रम से के बराबर होते हैं, एक वृत्तीय क्रमशः की बराबर होते हैं। ठीक है, n वस्तुओं में से n लेकर के या r लेकर के जो असमान वस्तुएं हैं सभी हम उसकी क्रम से रखने पर जो रेखीय क्रमशः बनते हैं उन जितने भी रेखीय क्रमशः बनते हैं उनके तुल्य एक वृत्तीय क्रमशः हमको प्राप्त होता है। ये इसका प्रयोग हम आने वाले सिद्धांत में करेंगे कि वृत्तीय क्रमशः से रेखीय क्रमशः बनाएंगे और रेखीय क्रमशः से वृत्तीय क्रमशः बनाएंगे। चलते करते हैं अगले सिद्धांत में, दी गई एन वस्तुओं में से असमान है वस्तुएं आर वस्तुएं लेने पर वृत्तीय क्रमशः की संख्या ज्ञात करना है और इसमें कंडीशन है जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद होने पर, मतलब भेद है दक्षिणावर्त में, तो माना वस्तुओं की संख्या n है। अब r वस्तुएं लेने पर वृत्तिक्रम से बराबर x है। हमने ये मान लिया कि वस्तुओं की संख्या n है तो n वस्तुओं में r वस्तुएं लेने पर वृत्तिक्रमशों की संख्या x है, तब n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर n वस्तुओं वस्तुओं में से आर लेने पर रेखीय क्रम से बराबर। देखो हमको रेखीय क्रम से इससे रेखीय क्रम से बनाना है और एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं ली गई है उनसे रेखीय क्रम से बनाना है। एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेने पर रेखीय क्रम से हैं रेखीय क्रम से की संख्या डाल देते हैं की संख्या बराबर, संख्या हमको भी निकालना है। ठीक है, और दूसरी है एक्स वृत्तीय क्रम से प्राप्त रेखीय क्रम से देखिए क्या कहना है, क्रमशः की संख्या क्या कहना है, बस थोड़ी समझने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा सूत्र बनाना है कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर के वृत्तीय क्रमशों की संख्या के लिए एक व्यंजक तैयार हो जाए। तो हमने मान लिया कि वस्तुओं की संख्या n है, r वस्तुएं लेने पर वृत्तीय क्रमशों की संख्या x है। ठीक है, x है वृत्त की संख्या, हम रेखीय क्रम से निकालें। एक बार तो हम निकालेंगे पिछले सिद्धांत n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर रेखीय क्रमशों की संख्या, ये पता है हमको सूत्र में n p r होगी। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली वस्तु बात नहीं है। अब s वृत्तीय क्रम से रेखीय क्रम से, मतलब रेखीय क्रम से एक हमने पिछले सिद्धांत से निकाले और एक वृत्तीय क्रम से निकाल रहे हैं, ये दोनों स्थिति में रेखीय क्रम से हैं तो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब x है, x वृत्तीय क्रम से है और एक क्रम से में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, r है। जैसे अभी पिछले उदाहरण में 4 लेकर के 5 लेकर के और 6 लेकर के बताए थे हमने, तो यहाँ r है तो रेखीय क्रम से x इंटू आर हो जाएंगे। हैं पिछले उदाहरण से आप देखिए कि 4 वाले में 4 रेखीय क्रम से का एक वृत्तीय क्रम से बना था, 5 वाले में 5 रेखीय क्रम से का एक वृत्तीय क्रम से बना था, 6 वाले में 6 रेखीय क्रम से का एक वृत्तीय क्रम से बना था एक।
अब इसका उल्टा है कि एक आपका वृत्ति क्रमशः है तो रेखीय क्रमशः क्या हो जाएंगे, चार एलिमेंट वाले में चार होंगे, पांच एलिमेंट वाले में पांच होंगे, जिसमें छह वस्तुएं हैं उसमें छह होंगे, और जिसमें आठ वस्तुएं हैं एक वृत्ति क्रमशः है, ये एक एक्स है वृत्ति क्रमशः, यहाँ एक्स है वृत्ति क्रमशः, ठीक है। और पहले हम एक में समझ लें कि एक वृत्ति क्रमशः है और इस क्रमशः में अवयवों की संख्या आर है, तो आर होंगे, अब एक्स है यहाँ तो एक्स इंटू आर होगी, ठीक है। एक्स वृत्ति क्रमशः में रेखीय क्रमशः की संख्या एक्स इंटू आर होगी। अब हम ये रेखीय क्रमशः है जो इस सिद्धांत से रेखीय क्रम से निकाले, इस सिद्धांत से रेखीय क्रम से निकाले, दोनों बराबर होंगे तो एक्स इंटू आर बराबर हो जाएगा एन पी आर, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा एन पी आर अपॉन आर, ये आपका सिद्धांत आ गया, ठीक है। ये है, यदि इसमें एन सब वस्तुएं ले ली जाए, सब वस्तुएं ले ली जाए, सभी वस्तुएं ली जाए, ली जाए तो जी हो जाएगा एन बराबर आर रखने पर, तो हो जाएगा आर बराबर एन ला रखने पर, आर बराबर एन रखने पर, जी रख दें हम, ठीक है। आर बराबर एन रखने पर एक्स बराबर हो जाएगा एन पी एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये हो जाएगा, तो जो या फैक्टोरियल एन अपॉन एन, फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये सिद्धांत आ गया कि सभी वस्तुएं ले ली जाए तो वृत्ति क्रम से बराबर हो जाएंगे फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से जी सिद्धांत आ गया। हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेने पर वृत्ति क्रमशों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब दक्षिणावर्त वामावर्त में पहले क्या था, भेद होने पर, अब दक्षिणावर्त में वामावर्त में भेद नहीं है, भेद नहीं है, भेद नहीं है, मतलब पहला भेद था अब भेद नहीं है, भेद है नहीं है, तो दक्षिणावर्त के भी वही होंगे और वामावर्त के भी वही होंगे। तो वस्तुओं की संख्या मान लीजिए एन और आर वस्तुएं लेने पर वृत्ति क्रम से एक्स हो जाएंगे, तो रेखीय क्रम से एन पी आर होंगे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम रेखीय क्रम से निकालेंगे तो एक्स इंटू टू आर, ये टू आर क्यों हो गया, दक्षिणावर्त के जैसे पहले हम पांच एग्जाम्पल लेके देखें तो पांच दक्षिणावर्त के रेखीय क्रम से और पांच वामावर्त के रेखीय क्रम से, पांच ये दक्षिणावर्त के रेखीय क्रम से हैं और ये पांच वामावर्त के रेखीय क्रम से हैं, तो इनका एक वृत्ति क्रम से प्राप्त होता है और इनका भी एक वृत्ति क्रम से प्राप्त होता है, तो ये आइडेंटिकल रहता है, जी सेम, इसका भी वही है और इसका भी वही है, तो इसका अर्थ हो गया दो गुणा पाँच, मतलब दस, दस रेखीय क्रमचय का एक वृत्ति क्रमचय हो गया, मतलब दो गुणा पाँच आर है तो दो गुणा आर, दो गुणा आर रेखीय क्रमचय का एक वृत्ति क्रमचय प्राप्त होगा। तो एक्स वृत्ति क्रमचय में कितने रेखीय क्रमचय बनेंगे, एक में एक गुणा टू आर, तो एक्स में एक्स गुणा टू आर हो जाएगा। अब ये दोनों सेम राशि है, जे भी वही राशि है, जे भी वही राशि है, जे भी रेखीय क्रमचय है, जे भी रेखीय क्रमचय है, तो हो जाएगा एक्स इंटू टू आर इक्वल टू एन पी आर, तो एक्स बराबर हो जाएगा एन पी आर अपॉन टू आर, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जी बन गया सिद्धांत। अब सभी वस्तुएं लेने पर, सभी वस्तुएं लेने पर तो आर बराबर हो जाएगा एन हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा एन पी एन अपॉन टू एन, ठीक है। तो फैक्टोरियल एन अपॉन टू एन, तो हो जाएगा एक बटा दो फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स बराबर, एक्स बराबर एक बटा दो फैक्टोरियल एन माइनस वन। इस तरह से जी आपका आज सिद्धांत हो गए हैं वृत्ति क्रमचय के, और इसको मैंने काफ़ी डिटेल से क्या है इसको बताया है, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और इस पर प्रश्नों का अभ्यास कल कराया जाएगा, ठीक।